दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हैं कि आमतौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव में अपने कैंडिडेट्स किस तरीके से सिलेक्ट करती है? क्या आप भी भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको टिकट कैसे मिलेगी? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। और नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ और मेरा मिशन है 1,00,000 ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सके। और आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो आगे आप कभी मिस ना करें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स का चुनाव किस आधार पर करती हैं, और यदि आप भी आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो टिकट पाने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ खाली कोरा ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, ये जो मेरा 10 से 12 साल का जो अनुभव रहा है अलग अलग चुनाव में, जिसमें हम कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया में भी काफी हद तक इन्वॉल्व थे, ये उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये सारे टिप्स दे रहा हूँ। तो देखिए, पहली बात तो हमें समझना ये होगा कि अलग अलग पार्टीज में थोड़ा क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो 10 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो 10 चीज अगर आप बहुत अच्छे समझ जाएं तो भविष्य में अगर आप चुनाव में टिकट लेना चाहते हैं तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कौन सी है जो अक्सर चुनाव के लिए एक कैंडिडेट में देखा जाता है? सबसे पहली चीज है किसी भी चुनाव में आपका पुराना एक्सपीरियंस। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज ये देखती हैं, क्या आपने कभी पहले कोई चुनाव लड़ा हुआ है, या आपका चुनाव का अनुभव है, या किस चुनाव में आपकी पोजीशन क्या रही है। आप चाहे जीते हैं तो कौन सा चुनाव जीते हैं, कितना जीते हैं, कितने से वोट से जीते हैं, या हारे हैं तो आपके हार का अंतर क्या रहा है और किस तरीके से आपकी हार। तो ये अनुभव देखा जाता है कैंडिडेट को सिलेक्ट करने से पहले। दूसरी जो बात है वो है संगठन में आपका अनुभव। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं उसमें आपने संगठन में कितना समय बिताया है, संगठन में आपका काम किस तरीके से रहा है, संगठन को आपने किस तरीके से चलाया है, कितनी मजबूती से आपने संगठन में काम किया है, ये सारी चीज़ें चेक करी जाती है टिकट देने से पहले किसी भी कैंडिडेट को। तीसरी जो चीज़ है वो है आपका प्रभाव, यानी आपका इन्फ्लुएंस। आपका प्रभाव आपके क्षेत्र में कितना है, आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके वार्ड में, आपके बूथ में, आपके जिले में, आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में, प्रदेश में, या हो सके तो राष्ट्रीय स्तर पे। तो किस स्तर पे आपका कितना प्रभाव है ये भी डिसाइड करता है टिकट को प्रदान करने के लिए। अगली जो चीज है वो है, चौथी जो चीज है वो है आपका कास्ट इक्वेशन, मतलब जो सामाजिक समीकरण है उसमें आप किस तरीके से फिट बैठते हैं। आमतौर पर जो बड़े समाज होते हैं किसी भी विधानसभा या लोकसभा में, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या आप उस समाज से आते हैं? यदि नहीं आते तो आप जिस समाज से आते हैं उसकी बदौलत आप और कितने समाज के लोगों को अपने साथ ला सकते हैं, ये इक्वेशन भी चेक किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो जाति समीकरण है, जो कास्ट इक्वेशन है, वो बहुत मायने रखता है कैंडिडेट के सिलेक्शन। पांचवी जो चीज है, संगठन में जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो सीनियर लीडर्स होते हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपने कितने अच्छे लीडर्स के साथ जो संबंध बनाया है, नेटवर्किंग करी है, या आपकी जो जान पहचान है वो मदद करती है, क्योंकि जो भी पार्टी के डिसीजन मेकर होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, आखिर में चुनाव के समय उनकी जो रजामंदी है वो बहुत आवश्यक होती है। और यदि वो आपको जानते हैं, आपका काम उन्होंने देखा है, आपके काम से वो परिचित हैं, आपसे वो परिचित हैं, तो आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। यदि उनका रेफरेंस मिल जाता है इन सब चीज़ों के लिए, चुनाव के लिए, तो आपकी टिकट जो है वो पक्की हो सकती है। इसीलिए सीनियर लीडर्स के साथ आपके संबंध कैसे हैं, कितनी जान पहचान है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकट मिलने के। छठवीं जो चीज है वो है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब आपके पास संसाधन कितने हैं। यदि जो इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं उस इलेक्शन के लिए जो भी खर्चे हैं, जो भी व्यय है, या जो भी साधन आपको चाहिए, उसे आप अपने सेल्फ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, अपने कंधों पर वो बोझ उठा सकते हैं कि नहीं, आप पार्टी की मदद कर सकते हैं कि नहीं, और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, उनको सही तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये भी एक चीज़ मायने रखती है आपकी रिसोर्सफुलनेस। और इसके अलावा भी रिसोर्सफुलनेस का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते, सिर्फ संसाधन नहीं होते, आपका खुद का आत्मविश्वास,
आप विपक्ष के खिलाफ कितनी अच्छे से लड़ाई लड़ते हैं, आप कितने डटे हुए रहते हैं समस्याओं के सामने, आप हार मानते हैं कि नहीं हार मानते किसी भी समस्या के सामने, आप कितने अड़िग हैं और आपका पॉलिटिकल स्टैंड किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीज़ें भी रिसोर्सफुलनेस के अंदर आती है, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। सातवीं जो चीज़ है वो है आपकी पॉपुलरिटी। पॉपुलरिटी सर्वे रिपोर्ट्स में चुनाव के लिए आमतौर पर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज वो ग्राउंड में सर्वे कराती है और उस सर्वे के आधार पर जिनकी पॉपुलरिटी ज़्यादा होती है उनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है टिकट देने के लिए, क्योंकि लोग उनका नाम बोलते हैं, लोग उनको इलेक्शन लड़ते हुए देखना चाहते हैं, लोग उनको वोट देना चाहते हैं आने वाले चुनाव में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पॉपुलरिटी जो है वो उस तरीके से आपके पूरे क्षेत्र में होना चाहिए ताकि सर्वे जब भी हो पार्टी की तरफ से तो उसमें नाम जो है वो आपका ही आ गया। इसीलिए हर एक स्तर पर लोगों के साथ जान पहचान, अपने क्षेत्र में लगातार यात्रा करना, अलग अलग जगह पे विजिट करना, जाकर लोगों के समस्याओं के लिए जाकर उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याओं के लिए लड़ना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक अलग एडवांटेज देती है जब भी पार्टी की तरफ से सर्वे होती है। तो इसीलिए सर्वे रिपोर्ट में भी जो आपकी पॉपुलरिटी है वो एक बड़ा सूचक होता है कि आप टिकट के सही दावेदार हैं या नहीं। आठवां जो पॉइंट है वो है आपका इमेज और आपका बैकग्राउंड। क्षेत्र में आपकी छवि कैसी है, आपकी राजनीतिक छवि कैसी है, आप बड़े ही सौम्य हैं, शांत हैं, या आप बाहुबली किस्म के नेता हैं, आप किसी डॉन के रूप में जाने जाते हैं, लोग आपसे डरते हैं, तो ये अलग अलग तरीके की छवि अलग अलग व्यक्ति की हो सकती है। इसीलिए आपकी छवि भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पार्टी जो है आपकी छवि के साथ समझौता करेगी कि नहीं करेगी, या पार्टी जो चाहती है आप उसी छवि के हैं कि नहीं। इसीलिए आपका बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से व्यापार व्यवसाय में हैं, उसमें आपके बारे में क्या लोग बातचीत करते हैं, आपका रेपुटेशन कैसा है, लोग आपको अच्छे नज़रों से देखते हैं कि नहीं देखते, आपको शरीफ मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप किस तरीके से समाज में किस तरीके के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो ये जो आपका बैकग्राउंड है ये भी काफ़ी वेरीफाई किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि कहीं आखिरी वक्त पे आपके जो विरोधी हैं आपके पक्ष में वो कहीं ऐसी खबर ना दे दें आपके बारे में जिससे पार्टी ने अगर आपको टिकट दे भी दिया है तो उसे वापस लेना। इसलिए आपका बैकग्राउंड और आपका इमेज ये भी बहुत मैटर करता है पॉलिटिकल पार्टीज में टिकट पाने के लिए। फिर नवा जो चीज़ है वो है सोशल वर्क, यानी कि सामाजिक कार्य। ये भी देखा जाता है कि राजनीति के अलावा भी आप किस तरीके से सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए, आप कितना सामाजिक कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग समूह के लोग या अलग अलग तरीके के लोगों के साथ किस तरीके से आपका जुड़ाव है और कैसे आप उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं उनके कामों में, और सामाजिक स्तर पे भी आपका कितना जुड़ाव है और कितना प्रभाव रखते हैं अलग अलग समूह के लोगों के साथ, तो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है आपके लिए जब भी आप टिकट की दावेदारी करें। और दसवीं और आखिरी जो चीज़ है वो है जो आपके अपोजिशन लीडर, आपके जो अपोजिशन पार्टी के लीडर जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं या आपके अपोजिशन पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनके सामने आपका कद कैसा है, क्या आप उन्हें हमेशा राजनीतिक रूप से टक्कर देते हैं, आप उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, आप उनके साथ मजबूती के साथ उनके सामने लड़ने की क्षमता रखते हैं, तो आपका जो राजनीतिक कद है वो आपके अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके सामने कैसा है, ये भी आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज और जो सर्वे और रिसर्च होता है इसमें वो काफ़ी हद तक चेक करते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 पॉइंट थे जो मोटे तौर पे सभी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, अपने कैंडिडेट्स में ज़रूर इन चीज़ों को परखते हैं कि ये 10 जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं इसमें वो फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते। इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आप इसमें किसी एक पॉइंट पर भी क्वालिफाई कर लें तो हो सकता है आपको टिकट मिल जाए, और ये भी होता है कि आप सारे 10 पॉइंट पे भी क्वालिफाई कर लें लेकिन राजनीतिक समीकरण आपके खिलाफ है तो भी आपको टिकट ना मिले। लेकिन अगर पॉजिटिव वे में हम सोचें तो अगर इन 10 चीज़ों की तैयारी हम अच्छे से करें, इन 10 चीज़ों का ध्यान हम बहुत अच्छे से रखें आने वाले चुनाव में जो भी हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं बात विधानसभा और लोकसभा चुनाव की कर रहा हूँ क्योंकि उससे नीचे स्तर के चुनाव में इन चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती और वो इंडिविजुअल अपने इमेज पे और अपने रिसोर्स पे वो सारा इलेक्शन होता है। इसलिए अगर आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं आने वाले समय में तो इन 10 चीज़ों का ध्यान रखिए और देखिए किस तरीके से आपकी जो टिकट की जो दौड़ है या टिकट की आपकी जो दावेदारी है उसमें आप दूसरों को मात
भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जो आपके दोस्त, आपके मित्र या आपके परिवार में या आपके जान पहचान के लोग भी अगर टिकट के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी भी चुनाव के लिए, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करिए ताकि आप उनकी मदद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे पद पर चुनाव में जितवा सकें और उन्हें एक नेता बनवा सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, या ये जो 10 पॉइंट आपके साथ शेयर करिए, इन 10 चीज़ों में से कितने पॉइंट्स की आपकी तैयारी हो रखी है और कितने पॉइंट्स की तैयारी आपको और करनी है। ऐसी बातों के लिए अगर आप मुझसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लीडरशिप सीखते रहिए, लोगों से जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू।